जो कोई कटन वाला ब्रिश नू कट दिंदा है फिर भी ओदे ते ब्रिश गिला नहीं करदा, पागां वाले रुख ओदे ते गिला नहीं करदा फिर भी वड्डन वाले नू नहीं ओ रुख तार दिंदा। एवें महापुरखां दा जिहड़ा जीवन है ना ओ परोपकारी होया करदा है। भाई साहिब भाई गुरदास साहिब जी जदों कलम चलाउंदे ने ओ लिखदे ने औगण कीते गुण करे सहज सुभाओ तरोवर हंदा, वड्डन वाला छाओ बह चंगे दा मंदा चित मंदा फल दे वट वगाया, वड्डन वाले तार तरंदा जो तेरा जग तिसदा बंदा। भाई साहिब जी आखदे आ कि वड्डन वाले नूं वी ओ तार दिंदा है। गुरबाणी दे अंदर 1017 अंग उत्ते पंचम पातशाह महाराज जी दा पावन बचन है। पातशाह आखदे आ शस्त्र तीखण काट डारियो मरना किन्नो रोस काज हुआ के ले सवारो तिल ना किन्नो दोष है। तिखे शस्त्रां दे नाल रुख दी छावें बैठ वाला बंदा गुरमुख प्यारियो ओ रुख नूं कट दिंदा है, ओदियां फटियां तैयार करदा है, ओ रुख एक बेड़ी दा रूप धारण कर जांदा है। फिर भी रुख आखदा है कि वड्डन वालिया मैं तेनूं फल दित्ते, मैं तेनूं फुल दित्ते, मैं तेनूं ठंडी मिठी छां दित्ती, अज तू मैनूं कट दित्ता है, मैनूं तेरे ते कोई गिला नहीं, आ मैं बेड़ी दा रूप बन गया, आ मेरे विच बैठ मैं तेनूं दरिया तों पार कर दिया, आ मेरे विच असवार हो मैं तेनूं बेड़ी दा रूप बन के मैं तेनूं दरिया तों पार कर दिया। महापुरखो कहण तों भाव गुरु की संगत महापुरखां दा जिहड़ा जीवन है ना वह भी इदां दा परोपकारी होया करदा है। महापुरखां दी कोई निंदिया भी कर जावे ते महापुरख ओहदे ते गिला नहीं करदे, तत बेते महापुरख ओहनूं भी तार दिंदे आ। इक वारी महापुरखां दी कमाई दा ध्यान धर के समुची संगत कहो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे गुरदेव पातशाह महाराज जी ने महापुरखां नूं वड्डा मान दिता, सब तो पहला लंगर दुनिया दे अंदर चलिया ते पहला लंगर मेरे गुरदेव पातशाह ने ब्रह्म ज्ञानियां नूं महापुरखां नूं छकाउणा कीता। मेरे गुरदेव पातशाह महाराज अनंत चोज करदे आ। हुण सच्चे पातशाह महाराज भाई मरदाने नूं नाल लै करके सच्चे पातशाह महाराज हुण धरती दा भ्रमण करन वास्ते गए आ। सच्चे पातशाह महाराज हुण धरती दे लोकां नूं तारन वास्ते महाराज चले आ। क्यों जाणा पिया गुरदेव पातशाह महाराज नूं? किसे विद्वान ने लिखिया वो कहिंदे जद राजे छड़ इंसाफ नूं बन गए कसाई, जद वाड़ खेत नूं खावंदी सी नजरी आई, जद वड वड लग पै खान सी भाइयां नूं भाई, जद सिद्धां वी विच पर्वतां जा धूनी ताई, जद चोर उचके गुंडियां कीती मनियाई, फिर डुबदी भारत पंछिया ना किसे बचाई, संग लै बाले मरदाने नूं ते चलिया पूर्व दक्षण नूं, दिल पाटे होए जोड़न ते जगत जलंदा रखण नूं। मेरे गुरदेव पातशाह महाराज जगत जलंदा ठारन वास्ते पातशाह महाराज गए आ। जिहड़े लोक जल रहे आ ना मेरे गुरदेव पातशाह महाराज उहनां दा भला करन वास्ते तुरे आ। पहली उदासी करदे आ गुरदेव पातशाह, दूसरी उदासी करदे आ महाराज, तीसरी ते चौथी उदासी मेरे गुरदेव पातशाह महाराज ओ अरब कंट्रियां वल नूं करदे आ। गुरदेव पातशाह महाराज करतारपुर साहिब दी पावन धरती भागां वालों आप दसां नौहां दी किरत करन वाले बैठे हो। सच्चे पातशाह ने 15.5 साल तों वधीक समा करतारपुर साहिब दी धरती ते दसां नौहां दी किरत कमाई कीती। पातशाह ने आप हथी हल वाया, सच्चे पातशाह ने आप खेतीबाड़ी कीती। सच्चे पातशाह नूं क्या लोड़ सी, प्यो पटवारी आ राय बुलार ने हजारा किले जमीन गुरदेव पातशाह दे नाम लवाई आ, पर पातशाह ने सानू दर्शाउण वास्ते कि मेरा सिख किते दसां नौहां दी किरत कमाई ना छड जाए आप वाही कीती पातशाह ने। करतारपुर साहिब दी धरती तों महाराज चले आ ते आया सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते। सुल्तानपुर लोधी दी धरती तों गया सियालकोट, सियालकोट तों गुरदेव पातशाह महाराज गए आ कटास, कटास तों गए आ रोहतास, रोहतास तों गए आ गुरदेव पातशाह महाराज डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान तों डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान तों गाड़ी गया सिंध ते सिंध तों गया अदन, अदन तों गाड़ी गया गुरदेव पातशाह करांची ते करांची तों मेरे गुरदेव पातशाह महाराज सच्चे पातशाह गया मदीने दी मक्के दी धरती ते।
बाबा फिर मक्के गया नील बस्तर धारे बनवारी। भाई साहब जी ने जिक्र किया मक्के दी धरती ते मेरे गुरुदेव पातशाह महाराज सच दे झंडे गढ़ते हुए जित दे झंडे गढ़ते हुए महाराज 550 किलोमीटर गाड़ी मदीने गए आ। मदीने तो गाड़ी गुरुदेव पातशाह महाराज गए आ बगदाद। बगदाद दी धरती तो गरीब नवाज पातशाह महाराज सच दा उपदेश वंडदे हुए भुले लोका नु सीधे रस्ते ते लाउंदे होए सच्चे पातशाह महाराज जित दे झंडे गढ़दे होए पातशाह महाराज गए आ ओ खुरासान दी धरती ते। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया। ओ खुरासान दी धरती अफगानिस्तान दी धरती उथे गया गुरदेव पातशाह महाराज काबल कंधार दे इलाके नु तारदे होए सतगुर सच्चे पातशाह महाराज दरिया खैबर नु पार करदे आ। दरिया खैबर नु पार करके दरिया अटक नु पार करदे आ मेरे गुरदेव पातशाह महाराज। अटक दरिया नु पार करके एक उच्ची पहाड़ी दे थल्ले मेरे गुरदेव पातशाह महाराज बैठे आ। एक केड़ा शहर आ जिस शहर दे बार बार मेरे गुरदेव पातशाह बैठे आ। ओ शहर ढाडी सिंह आप जी दे नाल सांझा करन लगे आ। सुनो गुरु की संगत मेरे गुरदेव पातशाह महाराज एक संत नु तारन वास्ते एक संत जेड़ा रस्ते तो भटक चुका है उस संत नु महाराज सच्चे पातशाह ओदा हंकार दूर करन वास्ते एक पहाड़ी दे थल्ले बैठे आ। आ सुनो आप संगत दी सेवा दे अंदर दास दा ढाडी जत्था बेनती है
सदायो सज्जन शीतल सेठिए जी सदायो सज्जन शीतल सेठिए जी सदायो सज्जन अगे ज्ञा तो लैन शटा पाई अगे ज्ञा तो लैन शटा पाई अगे ज्ञा तो लैन शटा सरदार कान सिंह नगर जसरा उर तो कलगीधर स्कूल नगर जसरा उर स्कूल दे स्टाफ दी और स्कूल दी चढ़दी कला वास्ते उन्हां वल्लों वड्डा मान हाजर गुरुदेव पातशाह महाराज रहमता दी दात चढ़दी कला दी दात बख्शिश करन बड़ा वधिया स्कूल साडे इलाके विच खुल्ला है। मैं अगे भी कई बार बेनती करदा रहिणा के जिन्हां स्कूलां दे विच साडे बच्चां नूं सिखी सिद्धांतां बारे समझाया जांदा साडा मुढ़ला फर्ज बणदा है असीं अपने बच्चां नूं उन्हां स्कूलां दे विच असीं उन्हां दी एडमिशन करवाईए। सो रहो विचार सत्कारयोग बाबा योधा सिंह गुरु के प्यार वाले उन्हां वल्लों भी ढाडी जत्थे नूं 100 लख दमड़ा माया अरदास गुरदेव पातशाह रहमतां दी दात चढ़दी कला दी दात प्रदान करन होर गुरु के सिखां वल्लों सत्कारयोग महापुरखां दे अस्थानां दे सेवादार जथेदार बलविंदर सिंह जी चाल फौजी साहब उन्हां वल्लों भी वड्डा मान सन्मान हाजर है। गुरुदेव पातशाह जी चढ़दी कला करन भाई साहब भाई गुरजंट सिंह उन्हां वल्लों भी वड्डा मान सन्मान हाजर है। सच्चे पातशाह रहमतां दी दात बख्शिश करन साडे सत्कारयोग माता जी गुरु की संगत विच बैठे आ भाई साहब भाई हरपाल सिंह जेड़े इटली की धरती से गुरु पातशाह जी की गुरु बाबे की कृपा नाल महापुरखां की कृपा नाल गए आ उन्हां वल्लों भी मान सन्मान हाजर है। सच्चे पातशाह रहमतां दी दात बख्शिश करन आओ समुची संगत दी चढ़दी कला वास्ते आपां फिर अरदासा करिए। लाओ इस अरदासे ते मोर आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। मैं बेनती कर रहा सां जहर पीर जगत गुर बाबा धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जगत जनंदे नूं तारदे तारदे सच्चे पातशाह एक पहाड़ी दे थले बैठे आ ढाडी सिंघां दे कोलों सरवण कीता हसन अबदाल हसन अबदाल दी धरती ते गुरदेव पातशाह महाराज गए आ। की रीजन है गुरदेव पातशाह जी दा इत्थे आउण दा गुरु की संगत इत्थे एक अल्लाह दा प्यारा एक रब दा प्यारा पहाड़ी दे उपर बैठा होया ओदी विलखणता यह आ कि उन्हें पानी ते कब्जा किया होया उन्हें पानी ते कब्जा किया होया। विद्वान पुरश लिखते हैं वह कहते बाबे वेख्या जगत जलंदा बंदे नूं प्या खावे बंदा अंधी रैयत राजा अंधा कूड़े जगदा कूड़ा धंधा किसे ने किया थल ते कब्जा ओ किसे जमाया जल ते कब्जा वेखो कैसी वंड है गाणी मंगया भी नहीं दिंदा पानी। ये जड़ा अल्लाह दा प्यारा बैठा होया ना पानी ते कब्जा करके ये पानी भागा वाले उन्हूं दिंदा है। जेड़ा बंदा इनू अपना गुरु मान लेंदा जेड़ा इनू अपना मुर्शद मान लेंदा उन्हूं पानी दिंदा है ओनली किसे नूं होर ये पानी नहीं दिंदा। मेरे गुरदेव पातशाह महाराज जेड़ा इनू हंकार दा रोग चंबड़िया होया ना सचे पातशाह महाराज इहदा रोग दूर करन वास्ते आए आ क्योंकि जेड़ा मेरा सतगुरु है ना वह वैदा का भी वैद आ मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा। गुरदेव पातशाह महाराज बड़े वड्डे वैद हैं सचे पातशाह इस हंकारी का हंकार दूर करन वास्ते आए आ। पाछा बाणी विच आखदे आ ना हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाए अगे बचन करदे आ कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए हो हंकार दा रोग तां दूर हो सकदा है भागा वालो जे बंदा गुरु बाबे दे सिद्धांत नाल जुड़ जावे जे बंदा गुरु दे अकीदे उते चलन लग पवे ते बंदे नूं हंकार आउंदा ही नहीं। हंकार किन्हां नूं आउंदा है
जेडे गुरु तो दूर हो जाते ने वेमुख होए राम ते लगन जन्म जोग। गुरु की संगत मेरे गुरुदेव पातशाह महाराज आया ते भाई मरदाने नु आखदे आ भाई जी बड़े प्यार नाल सच्चे पातशाह भाई जी आखदे आ। आप जानदे हो भाई किनू आखदे आ? भाई दा अर्थ है रब नु पा जान वाला, ते भाई दा अर्थ है के भरा। गुरुदेव पातशाह महाराज भाई मरदाने नु अपना भरा कहंदे आ। भाई जी जी सतगुरु, भाई जी रबाब खोलो ते उस रब नाल गल्लां करिए। लो जी भाई मरदाना जेड़ा गुरु नानक साहब दा भाई है, गुरु नानक साहब तो भावे 10 साल वड्डा है पर गुरु पातशाह महाराज ओदा बहुत सत्कार करदे आ। महाराज ओनू भाई शब्द दे नाल पुकारदे आ, भाई जी रबाब खोलो उस रब दी सिफत सलाह विच जुड़िए। भाई मरदाने ने रबाब खोली ते रबाब नू सुर कीता, भाई मरदाना रबाब वजाउण लगा ते रबाब एक साइड ते रख दित्ती। कहण लगा बाबा बाबा मैं तेरा हर हुक्म मंदा पर बाबा अज रबाब वजाउण नू जी नहीं करदा मेरा। बाबा अज ते रबाब वाल मेरा वेखण नू दिल नहीं करदा। मेरे पातशाह कहिंदे भाई जी, भाई मरदाना जी अज की कारण बन गया? ते भाई मरदाना आखदा सच्चे पातशाह महाराज अज प्यास बहुत लगी हुई है, महाराज जल्दी ते बहुत लगी हुई है, सच्चे पातशाह अज पानी पिला दो ते रबाब फिर वजदी, नहीं ते तुहाडा भाई अज रबाब वजाउण वास्ते तैयार नहीं। गुरु की संगत ए एक बहाना है। गुरुदेव पातशाह महाराज ने भाई मरदाने नु बड़ा वड्डा मान दिता है। जे 50 साल भाई मरदाने ने मेरे बाबे दे सामने बह के कीर्तन किया, 50 साल किड्डा भागा वाला होएगा भाई मरदाना जिन्हें मेरे बाबे दे सामने 50 साल बह के कीर्तन किया। जिन्निया गल्लां मेरे बाबे ने भाई मरदाने नाल सांझियां कीतियां ना, उन्निया गल्लां मेरे बाबे ने अपने मां प्यो नाल नहीं सांझियां कीतियां, अपने सुपत्नी नाल नहीं सांझियां कीतियां, अपने दो बेटियां नाल नहीं सांझियां कीतियां। जिन्निया गल्लां दिल दियां गल्लां भाई मरदाने नाल सांझियां कीतियां ना पातशाह ने, उन्निया गल्लां मेरे बाबे ने किसे नाल सांझियां नहीं कीतियां। पर एक किसे नूं तारन वास्ते एक कारण बनाउंदे आ भाई मरदाना। भाई मरदाना गुरुदेव पातशाह जी दे कोलों जल्दी मंग करदा है। सच्चे पातशाह आखदे आ मरदानिया ए पथरीली धरती है ते जल कितरे दूर दूर तक नहीं हैगा, सच्चे पातशाह फिर की करा? गुरुदेव पातशाह कहिंदे भाई मरदानिया दाने पुरश आखदे आ के उदम करन वाला बंदा कदी भुखा नहीं मरदा। ओ मरदानिया उदम कर ला, भाई मरदाना इथों 1.5 कोह पानी मिल सकता है। ओ जिहड़ी सामने पहाड़ी आ ना, उदम करके ते ए पहाड़ी चढ़ जा, तेनू पानी प्राप्त हो जाएगा। हुक्म न होवे प्रवान ता खसमे का मैल पाए सी। भाई मरदाना गुरु की संगत गुरु बाबे दा हर हुक्म मनदा है, हुण भाई मरदाना पातशाह दा हुक्म मन के तुरिया है सा संगत। भाई मरदाना मंजला मारदा होया ओ पहाड़ी चढ़दा होया, पहाड़ी चढ़ के ते भाई मरदाना ओ जड़ी चिल्ले वाली मसीत आ ना जिथे ओ वली कंधारी नाम दा सतपुरश अल्लाह दा प्यारा बंदगी कर रहा है। हुण भाई मरदाना हौली हौली कदम पुटदा पुटदा उस संत दे कोल पहुंच जांदा है, उस वली अल्लाह वली कंधारी दे कोल पहुंचदा ते जाके भाई मरदाना गल विच पा के पल्ला जोड़ के हाथ उस महापुरख नूं आखदा के सतपुरशो अल्लाह दे प्यारियो 2 घुट्टा पानी पिला दो, मेरी जान निकलदी जांदी है, 2 घुट्टा पानी पिला दो। भाई मरदाने ने पहली आवाज दित्ती, उस वली अल्लाह दे नेत्र खुले नहीं, दूसरी बार भाई मरदाने ने आवाज दित्ती गुरु की संगत, फिर भी उस वली अल्लाह ने भाई मरदाने दी आवाज नूं अणसुणिया कर दिता। तीसरी बार थोड़ी जी उच्ची सुर विच गुरु की संगत भाई मरदाने ने आवाज दित्ती, ओ वली अल्लाह ओ रब दे प्यारे मैनू जल छकाउणा कर, 2 घुट्टा मैनू
जल छका हुण वली कनारी ने अपने नेत्र खोलिया ते भाई मर्दाने नू सिर तो लैके पैरां तक उन्हें बड़ी गोहो ना तकिया आ तकियो गुरु की संगत है एक पासे भाई मर्दाना खलोता है एक पासे ओ वली अल्लाह ओ वली कनारी अपने डेरे विच बैठा होया हुण भाई मर्दाना उस वली अल्लाह दे कोलों जल्दी मंग करदा आ तकियो गुरु की संगत भाई मर्दाने नू जल प्राप्त हुंदा है जा नहीं हुंदा आ सुनियो गुरु की संगत अजनाले दा ढाडी जथा बेनतियां है
दानदारी को कौन है तू ए हो जिया बिरती अखेड़ी मेरी बिरती अखेड़ी मेरी आके रोला पाया जी बिरती अखेड़ी मेरी आके रोला पाया जी सतनाम श्री वाहिगुरु। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरलाल सिंह इस पातशाह की कृपा दे नाल वो जर्मन की धरती ते हन उन्हां दी चढ़दी कला वास्ते 100 लाख तमड़ा माया अरदास गुरु पातशाह दे चरणा विच अरदास है। सच्चे पातशाह महाराज भाई गुरलाल सिंह पीआर हो जाण पातशाह रहमता करन महाराज जथेदार जसमेल सिंह जी उन्हां वल्लों वड्डा मान सम्मान 100 लाख तमड़ा हाजर गुरुदेव पातशाह रहमता की दात चढ़दी कला की दात बख्शिश करन। बहुत ही सत्कारयोग नंबरदार सरदार बलकार सिंह जी उन्हां वल्लों भी उन्हां दे पचंगियां वालों दास दे ढाड़ी जत्थे नूं वड्डियां सीसां प्राप्त होईयां गुरु पातशाह रहमता दी दात चढ़दी कला दी दात बख्शिश करन। आओ गुरु की संगत मैं बेनती कर रहा सां भाई मरदाना मेरे बाबे दा रबाबी जाके उस वली कंधारी दे कोलों 2 घुट्टा पानी दी मंग करदा है। गुरु की संगत पानी की है आओ गुरु पातशाह दे कोलों पुछण दा यतन करिए पानी की है। गुरुदेव पातशाह महाराज गुरबाणी अंदर पावन शब्द लिखदे आ सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे आ साचे ते पवणा भया पवणे ते जल होए जल ते तर पावन साजिया घट घट जो सोए। जपजी साहब दे अंदर जदों आपां श्लोक पढ़दे आ तुहानूं सारयां नूं याद होएगा पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत सच्चे पातशाह आखदे आ जिहड़ा पाणी आ ना वो पिता है ते जे कोई किसे दे प्यो ते कब्जा कर जावे करके बह जावे ते बड़ी दुख दी गल है। ए पानी रब दी दात है पर ओ जेड़ा कंधार दी धरती तो आया खुरासान दी धरती तो आया ना वेख्या ते उन्हें आखा भी ए बंदा लगदा ते मुसलमान आ पर इस बंदे दी बोली साडे नाल रलदी नहीं क्योंकि वख वख इलाके दी वख वख बोली होया करदी। भाई मरदाना ने पानी की मांग की ते ओ संत अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा रब की बंदगी करने वाला बंदा इन्ना हंकार विच है क्योंकि जेड़ा हंकार है ना ओ बंदे नू भागा वाले किसे पासे नहीं जे लगन दिंदा 4 पैसे आ गए ते बंदे नू हंकार हो गया वड्डा रुतबा मिल गया ते बंदे नू हंकार हो गया 4 किताबां पढ़ लिया ते मेरे वर्गे बंदे नू हंकार हो गया कि मेरे वर्गा वड्डा बंदा विद्वान ही कोई नहीं। पर मेरे पातशाह गुरबाणी विच आखदे आ हर जीओ हंकार ना पावाई वेद कूक सुनावे सच्चे पातशाह आखदे आ मैनू हंकार पाउंदा नहीं। भाई मरदाने ने जदों पानी दी मांग कीती ते करमा वालिओ एदा गुस्सा 7वें आसमान ते चढ़ गया पा के मथे ते तूड़ी ते कहन लगा ओ पानी मंगदा है पहला दस आया कित्थों आ ते भाई मरदाना आखन लगा मैं पंजाब दी धरती तो आया ओ तेरा गुरु कौन है कहन लगा मेरा गुरु है जाहर पीर जगत गुरु बाबा
अच्छा अच्छा तू नानक दा चेला है जिन्हों लोग नानक पापा आखते आ कहिंदा हां अच्छा अच्छा जिन्ने मक्का घुमाया सी जिन्ने गढ़ बगदाद नवा दिता तू उस बाबे दा चेला है होणगियां ताकतां उहदे कोल होणगियां करामातां उहदे कोल पर उहदा मत्था हाले मेरे वर्गे वली नाल लगा नहीं जा उनू कह मैनू पानी पिला दे तैंको गुरु गुरु ते गोया उस दे अगे क्यों नहीं रोया उसनू आख पिला दे पानी वेखूंगा मैं उदी कला विडाणी कहिंदा मैं भी वेखांगा कि तेरे बाबे विच इन्नी पावर हैगी कि तैनू ओ पानी पिला देवे सा संगत ओ रब दा फकीर अल्लाह दा फकीर पर हंकार विच ग्रस्या होया हंकार दे उड़न खटोले होते वड़ियां वड़ियां उड़ारियां मार रहे हैं मेरे पाछा उसनू उड़न खटोले तो हंकार दे पोड़े तो तारन वास्ते आया क्योंकि मेरा पाछा आज भी बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले आज भी मेरा पाछा हंकारियां दे हंकार दूर करता है गुरु की संगत है वड़ी कंधारी बाबे मर्दाने नूं कहण लगा के जा फिर एक शर्त ते तैनू पानी मिल सकदा है मेरियां सत्कारयोग भैणां मतावां बैठियां ने गुरमुख प्यारे बैठे ने अज 100 मंग मेरा पातशाह पूरी कर देवे ना जे किते एक ही साडी मंग ना पूरी होवे ते झोला चुक के दूजे पासे नूं तुर पैणे आ कि शायद दंबियां पखंडियां कोलों साडियां मंगां पूरियां हो जाण गुरु की संगत मैं बेनती करदा हुन्ना जिहदी झोली इस बाबे कोलों ना ना भरी ओहदी झोली दुनिया विच बंदा किधरे भी चलिया जाए ओह झोली खाली रहनी एक छोटी जी गल याद आई साडे इलाके दा ही कोई बंदा गुरमुख प्यारिओ ओह चलिया गया राजस्थान क्योंकि जेड़े देहधारी पखंडी होंदे आ ना उहनां दा नैटवर्क बड़ा कम करदा है बड़ा उहनां दा नैटवर्क जेड़ा ओह बड़ा मजबूत होया करदा है दसो दसी दस पा दित्ती किसे ने आख्या भैणा आ जा साडे इलाके विच राजस्थान दे विच इत्थे बाबा हैगा ई ओह तेरे पति नूं ठीक कर देवेगा लो जी उस गुरमुख प्यारे ने फड़ी ट्रेन ते पहुंच गया राजस्थान जयपुर दी धरती ते हुण गया बाबे दे कोल ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਦਮੜੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ ਆ ਨਾ ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ 15-20 ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇ 57 ਧਾਗੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਗਾਡਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
तारे आकाश विच भावे हैं लखां, सूरज सामे नहीं कदे खलो सकदे, ओ शिकारी कुत्ते भावे होण लखां, बब्बर शेर नूं नहीं कदे पो सकदे, ओ देहधारी गुरु भावे होण लखां, साडे ते गुरु दी जुद्दी वर्गे भी नहीं हो सकदे। वली कंधारी भाई मरदाने नूं आखदा है, एक शर्त ते पाणी प्राप्त हो सकदा है, मैनूं अपना मुर्शद मन ला, मैनूं अपना गुरु मन ला। ते भाई मरदाना बाबेदार बाबी आ ना, बाबे नानक दा ओ हजूरी रबाबी है गुरु की संगत। भाई मरदाना आखन लगाओ वली कंधारी, ओ टोबे छपड़ा विच नहीं हाथ पाउंदे, लौंदे जिहड़े सरोवरां विच तारियां ने, ओ बगड़ियां विच नहीं रल पैंदे हंसा नाल जिन्ना दिया यारियां ने। लो गुरु की संगत, हुण भाई मरदाने नूं इस वली कंधारी ने पानी दिता नहीं, भाई मरदाना मेरे गुरदेव पातशाह महाराज दे कोल आया। हाले कुछ कदम दूर है, गुरदेव पातशाह नूं उच्ची आवाज विच कहण लगा, बाबा बाबा हुण ना कहीं के उस वली दे कोलों जाके पानी मंग, बाबा मैं नहीं जाना, बाबा हुण पानी पिलावे ते तू पिलावे ने ते बाबा तेरा रबाबी अज इत्थे ही हसन अबदाल दी धरती ते मर जाएगा। लो गुरु की संगत, भाई मरदाना गुरदेव पातशाह जी दे कोल आया, ते भाई मरदाना गुरदेव पातशाह कहिंदे, भाई जी, भाई मरदाना जी पिया है पानी? कहिंदा ना बाबा, बाबा उन्हें ते पानी ते बड़ी दूर दी गल, बाबा उन्हें बड़ा गाली गलोच कीता, बाबा उन्हें बड़े फिक्के शब्द बोले आ। भाई मरदाने ने गुरदेव पातशाह महाराज नूं जिहड़ियां गल्लां कहियां ना, उन्हां गल्लां नूं बापू सोहण सिंह सीतल साहब ने अपनियां वारां दे विच लिखिया। बापू सोहण सिंह सीतल साहब लिखदे आ, ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹੋਰ ਅਜਮਾ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਖਾ ਬਾਬਾ ਗਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਉਸਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਉਸਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਰਖ ਨਾ ਕਾ ਬਾਬਾ, ਐ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇਰੀ, ਕੀਤੀ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੋਧਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਕੋਧਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀਓਂ ਰਹਿ ਤਰਕਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਾ ਮਾਤ ਸੁਕਾ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਢੱਠਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾ ਬਾਬਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿਲਾ ਦਈਏ ਪਾਣੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਪਿਲਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਪ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਓ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ।
ਤੱਕ ਕੇ